हाय वीवर, सामी के आदाब के साथ फिर से वेलकम है आपका सामी किचन फिलॉसफी पे। मेरी दुआ है आप सब खुश रहें। और आज मैं एक अथेंटिक रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हुई हूँ, जिसका मैंने आपसे वादा किया था, बिरयानी मसाला। ये होममेड बिरयानी मसाला मेरा बनाया हुआ है, जिससे मैंने आपको रेसिपी दी थी देगी बिरयानी की, शुरू में जो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो आइए इसकी तैयारी करते हैं। ये 3 बे लीव्स ले लेंगे, और इसके अलावा हमें लेनी है ये सूखी वाली जो हमारे पास मिर्चें होती हैं, रेड वाली, ये 5 से 6 मिर्चें ले लेंगे। इसके साथ साथ हम ले लेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, काली इलायची जो कहलाती है वो। इसके साथ हम लेंगे ये 3 बादियान के फूल, 8 से 10 ये छोटी वाली इलायची, हरी इलायची जिसको कहते हैं, ये लेंगे। आधा टुकड़ा जायफल का, उसके जावित्री के 2 फूल ले लेंगे। इसके साथ ही हम लेंगे ये हमें 10 से 15 काली मिर्चें लेनी है, और उसके साथ साथ लेंगे हम 6 से 8 लौंग, और इन सबको हमें ड्राई रोस्ट करना है हल्का सा। ये बे लीव्स को और जो हमने ये रेड मिर्च ली थी, इन दोनों को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और आराम से जो है ये टूट जाएंगे इस तरह से। अब इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस को डाल के हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। दो खाने के चम्मच साबुत धनिया इसमें डाल देंगे, और इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच सफेद जीरा, 1 खाने का चम्मच काला जीरा, और 1 खाने का चम्मच ये सौंफ इसमें डालेंगे। अब इन सबको भी हम इसमें रोस्ट कर लेंगे हल्का हल्का सा। अब ये मसाला हमने रोस्ट कर लिया, जिसको इस प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत अहम है, ये डालना ज़रूरी है इसमें मसाले में, ये अनारदाना 1 खाने का चम्मच ये डाल लेंगे हम, इसको भी हमें रोस्ट करना है हल्का हल्का। और इसके बाद ये हैं दग्गड़ फूल कहलाते हैं, ये पंसार की दुकान पे मिलते हैं, ये 3 फूल हमें लेने हैं। ये भी हम इसके साथ ही हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये नरम होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं। ये 2 अहम चीज़ें हैं, इससे मसाले बहुत अच्छे बनते हैं, और ये अथेंटिक मसाला होगा, जैसे बाजार का मसाला होता है उसी तरह बनेगा ये। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे हल्के में, मुश्किल होगी थोड़ी सी इसको। ये दग्गड़ फूल के अलावा भी, इसको पत्थर फूल भी कहा जाता है, जब पंसार की दुकान पे जाते हैं तो वो बिरयानी फूल, पत्थर फूल या दग्गड़ फूल इस तरह कहा जाता है इसको। तो ये आप इस तरह से ले सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि फूल की सूरत में हो, बाज़ दफ़ा ये टूटे हुए भी मिल जाते हैं। को भी आप मसालों में शामिल करके इसको पीस लेंगे। अब ये सारे मसाले हम पीस लेंगे, तैयार हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच ये सौंठ का पाउडर है, यानी जो सूखी हुई अदरक होती है उसका पाउडर। आप इसमें लहसुन का भी पाउडर डाल सकते हैं, मैं सिर्फ अदरक का पाउडर इस्तेमाल करती हूँ। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 2 चाय के चमचे पिसी मिर्चें, इसको आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, और नमक को भी। उसके साथ ही डालेंगे हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे, ये 2 से 3 जो है छोटी इलायची, हरी इलायची ये साबुत डालेंगे इसमें, इसी तरह से 2 बड़ी इलायची डाल देंगे, 2-3 लौंग डाल देंगे, ये सब डाल देंगे, 2-3 आलू बुखारे ये डाल देंगे, और कुछ तेज पत्ते लेकर मैंने उनको ऐसे तोड़ लिया है छोटा छोटा, ये भी इसी में डाल देंगे तेज पत्तों को। अब इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे टाटरी, ये 1 पिंच में टाटरी डाल रही हूँ इसके अंदर, ये बाजार की तरह टेस्ट लाने के लिए टाटरी डलेगी इसमें, सिट्रिक एसिड भी इसको कहते हैं।
ये डालने के बाद ये बिल्कुल अथेंटिक बाहर जैसा बिरयानी मसाला बनेगा। ये दो दफ़ा आप बना सकते हैं, 2 किलो बिरयानी के करीब है, थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और अगर आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी हो तो आप उसी हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए आप, बिल्कुल बाजार जैसा इसका लुक आ रहा है। अब इसको हम एक एयर टाइट जार में भर के रख लेंगे, और इसी तरह मैं रख लेती हूँ इस तरह से एक जार में भर के, और आप रख सकते हैं जब भी आपको बिरयानी बनानी हो। इससे 2-3 खाने के चमचे डाल लें, 1 किलो में तकरीबन 1 साशे के करीब आपको इसमें डालना होगा। तो ये 2 दफ़ा बना सकते हैं आप 1-1 किलो बिरयानी का। आप इसको क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।